सॉल्यूशंस पे ध्यान दें, तो आप देखिए कि आपकी जगह कोई और होता, या आप कोई केस स्टडीज पढ़ते हैं, हम जैसे कोर्ट केसेस भी देखते हैं, तो कोर्ट केसेस क्या हैं? वो कहते हैं कि सर 4 साल पहले इसी तरीके का केस में ऐसा डिसीजन लिया गया था, यानी कि जब ये दिक्कतों का सामना किया गया था तो पहले इसका सॉल्यूशन ऐसे निकाला गया था। तो अगर हम भी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि लीगल कितना बड़ा एरिया है, अगर वहां पे सॉल्यूशंस रेफरेंसेस के तौर पे लिए जाते हैं, तो हम क्या डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम देखें कि लोगों ने इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। इससे हमारा समय भी बचेगा, और इससे कहते ना कि बहुत फायदा हो जाता है कई बार, क्योंकि एक इंसान जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, और हम उस सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम को झेल रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो हमको ये देखना होगा कि बिना ईगो रखे हम ये समझने की कोशिश करें, और ये भी ना सोचें दिमाग में कि हम क्यों दूसरे को कॉपी करें, और ये भी ना सोचें कि हमारी प्रॉब्लम तो अलग ही होगी, उसकी प्रॉब्लम जैसी थोड़ी ना होगी। देखिए, जैसे मैं आपको अपनी फील्ड का एग्जांपल देता हूँ कि हम जब भी सारे कोचेस आपस में, हमारी भी एक फैमिली होती है, एक फ्रेटर्निटी होती है, जहाँ पे कोचेज आपस में बात करते रहते हैं, तो हम लोग कई बार इस बात पर डिस्कशंस करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आया, तो ऑलरेडी अगर मेरे कोई सीनियर कोच के पास इस तरीके के क्लाइंट आ चुके होते हैं, तो जनरली लोगों की प्रॉब्लम हो सकता है, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आर कंपार्टमेंटलाइज, सॉल्यूशन इज होलिस्टिक। तो हम अपने सीनियर से पूछ लेते हैं कि सर वो जो होलिस्टिक सॉल्यूशन आपने शेयर किया था, उसमें कौन से फंडामेंटल पॉइंटर यूज किए थे, जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं लोग, झट से वो हमको बताते हैं। तो हमारा जो एक हिट एंड ट्रायल होता है किसी गिवन कंडीशंस में, क्योंकि देखिए हर चीज तो सेट नहीं होती है ना, पर जो हम डिसीजन, अगर इसी तरीके की प्रॉब्लम को हमारे सीनियर्स ने कैसे सॉल्व किया था उसके मद्देनजर जब हम करते हैं, तो देखा गया है ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं सैम वॉल्टन के बारे में पढ़ रहा था, जो फाउंडर हैं वॉलमार्ट के, 1954 में के तकरीबन की बात है शायद ये, 12 घंटे की ट्रैवल करके वो बस में गए, और उन्होंने एक वैरायटी स्टोर है बेन फ्रैंकलिन का, उसमें जाके उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो वैरायटी स्टोर के अंदर कस्टमर्स जब सामान खरीदने आते हैं तो एक सेंट्रल लाइन का सिस्टम वो कैसे बनाया जाता है, यानी कि किचन सप्लाईज के लिए अलग है क्या, टॉयलेट्रीज के लिए अलग है क्या, ग्रोसरीज के लिए अलग है क्या, और वॉल्टन ने इमीडिएटली जो वहां पे देखा वो इम्प्लीमेंट कर लिया। वॉल्टन को बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं फील हुआ इस बात को एक्सेप्ट करने में अपने, और उन्होंने बाकायदा ये किताब में लिखा हुआ है कि भाई मैं लगातार अपनी जिंदगी में कॉम्पिटिटर्स को देखता रहा, मैंने हमेशा एडमिट भी किया है कि मैंने आज तक जो भी, मतलब ये मैं लाइन बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड पे हूँ मैं, और ये आप किताब में पढ़ सकते हैं, वॉल्टन ने कहा कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो मैंने अपनी कंपनी में लगाया है वो कॉपी किया है किसी और से, यानी वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो कोई पेटेंट थोड़ी ना है कि लाइन में कैसे खड़े करना है, सामान को किस तरीके से रखना है, क्या टेक्निक्स यूज की गई। तो जो एनालॉजीज होती हैं डियर, वो बहुत मदद करेंगी आपको भी, कि आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को अगर एक जर्नलाइज्ड वे ऑफ सॉल्यूशंस में ढूंढेंगे, तो आप अपनी प्रॉब्लम को बड़ा क्विकली और बड़ा स्मार्टली उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आप अगर स्पीडोज के बारे में जानते हैं, फास्ट कैन स्विम सूट है, आप इसको एक बार इंटरनेट पे देखिएगा, फियोना करके एक फेयरहर्स्ट करके एक डिजाइनर है जिन्होंने इसको बनाया था। अब उनको, उनके दिमाग में था कि कौन सी चीज है जो सबसे फास्ट मूव करती है पानी के अंदर, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि शार्क्स ही तो करती हैं। अगर कोई जैसे हवा में कोई स्पेस शटल ही तो है जो बहुत तेज जाता है, तो कहने का चीज है कि कोई भी चीज जो मूव करती है फास्ट, तो अगर पानी के लिए हम कोई स्विम सूट डिजाइन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम शार्क की स्किन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि जो शार्क की स्किन है उसमें ऐसा क्या है जिससे वो इतना तेज पानी में मूव करती है, और अगर उसी तरीके का फैब्रिक डिजाइन किया जाए
टॉर्पेडोज की तरह अगर एक डिजाइन किया जाए कि उसका स्किन किस तरीके का होता है, तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है कि भाई आप इतना ज्यादा जो यहाँ वहां हाथ पैर मारोगे इसको समझने के लिए, आपकी सारी ड्रैगिंग रिड्यूस हो जाएगी यार। आप बहुत आसानी से उस स्विम सूट को जो डेवलप कर रहे हो आप, वो कर पाओगे और आप फिर हेल्प कर पाओगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बिकॉज हर एक इंसान जो स्विमिंग कर रहा है स्विम सूट पहन के, आई एम टॉकिंग मोर अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, जो मतलब जो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों के लिए वो यही चाहते हैं कि वो फास्ट मूव करें पानी के अंदर। तो जब उन्होंने इसको इजाद किया, बूम, मतलब अल्टीमेट स्विम सूट निकल के आया, इतनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे दी कि भाई आप पढ़िएगा इसके बारे में, 2010 में इस फैब्रिक को ही बैन कर दिया गया, बिकॉज जो रियलिटी में, वैसे कई जगहों पर इसको यूज किया जा रहा है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक मार्केट में इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि कोई भी जो कंपटीशन में स्विम सूट पहन के आया और जो नहीं पहन के आया उनमें इतना डिफरेंस देखा गया। कहने का मतलब है आप जब भी डिसीजंस लेते हैं तो आप अवेयर होते हैं कि आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को ऑलरेडी बहुत सारे लोग सॉल्व कर चुके हैं। आपने क्या उनकी एनालॉजीज देखी, उनका रेफरेंसेस लिया, अगर आप देखेंगे आपको अपने डिसीजन को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी।